आपने ये कई बार सुना होगा कि मरने के बाद इंसान के शवों को जलाया या दफनाया जाता है, मगर क्या आपने कभी ये सुना है कि इंसानी शवों को ताबूत में रखकर पहाड़ों से हवा में लटकाया जा सकता है? नहीं ना। जी हाँ दोस्तों, दक्षिण एशिया के चीन, इंडोनेशिया और फिलीपींस में शवों को सुरक्षित रखने के जो तरीके थे वो आपको काफ़ी हद तक हैरान कर देने वाले हैं। चलिए दोस्तों जानते हैं इस वीडियो में हवा में लटकते इन ताबूतों के पीछे का रहस्य। नंबर एक पर है चीन। चीन के सिचुआन प्रांत में बो समुदाय के लोग रहते थे। कहते हैं कि बो समुदाय के लोगों की संख्या कम होने के बावजूद वहां के लोगों पर इनका प्रभाव काफ़ी हद तक था। इस समुदाय के लोग अपने किसी संबंधी की मौत होने के बाद उसके शव को लेनिन के कपड़े में लपेट देते थे और उसके साथ कुछ सामान रख देते थे। उसके बाद यह लोग लकड़ी के एक टुकड़े से ताबूत तैयार करते थे और लेनिन के कपड़े में लपेटे हुए उस शव को और उसके साथ रखे सामान को उस ताबूत में रख देते थे, जिसके बाद इस ताबूत को रस्सियों की मदद से 1640 फीट तक की ऊंचाई पर लटका दिया जाता था। यह थी दोस्तों चीन के शवों को इतनी ऊंची पहाड़ी पर लटकाने की परंपरा। नंबर दो पर है फिलीपींस। दोस्तों फिलीपींस एक नगर निगम है जिसको सागाड़ा के नाम से जाना जाता है। इस शहर की बरसों पुरानी एक मान्यता है जो आज भी वहाँ के लोगों के बीच चली आ रही है। वह मान्यता यह है कि बुजुर्ग व्यक्ति जो मरने की कगार पर है, जिसे पता है कि उसके पास ज़्यादा समय नहीं है, जो जल्द ही इस दुनिया को अलविदा कहने वाले होते हैं, वह खुद अपने लिए ताबूत तैयार करते हैं और अगर वह गंभीर हालत के चलते नहीं बना पाते तो उनके संबंधी उनके लिए ताबूत तैयार करते हैं और उस बुजुर्ग के मरने पर उसके शव को ताबूत में रखकर पहाड़ पर किसी बीम के सहारे लटका देते हैं। यह है फिलीपींस के लोगों की आज तक चली आ रही परंपरा। नंबर तीन पर है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के टोराजा समुदाय के लोग मृत व्यक्ति की शव यात्रा निकालते हैं, उसके बाद मृत्यु से जुड़े कई विधियों को पूरा करते हैं और अगर मरने वाला इंसान अगर कोई अमीर आदमी है तो हजारों लोगों को भोजन करवाया जाता है। यह लोग शवों को ताबूत में रखने से पहले शव को पारिवारिक रंगों से सजा हुआ वस्त्र पहनाते हैं, जिसकी छपाई पर परिवार की पहचान जुड़ी होती है, क्योंकि यहाँ के लोगों का मानना है कि मरे हुए व्यक्ति के अगले जन्म में उनके पूर्वजों द्वारा आत्मा की पहचान की जा सकती है और यह लोग यह सोचते हैं कि आने वाली पीढ़ियां मृत व्यक्ति की सफलताओं से प्रेरित होते हैं।